हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आप लोन की ज़रूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को लोन लेकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ऑनलाइन की हेल्प से लोन लेना तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग के लिए एक नया बेहतरीन ऐप लेकर आया हूं। उस ऐप के अंदर में किस तरीका से लोन लिया जाता है और दोस्तों बिल्कुल ही ईजी प्रोसेस को कम्प्लीट करके लोन दिया जाता है, आप भी आसान तरीका से उसमें प्रोसेस को कम्प्लीट करके ले सकते हैं। तो अगर आप लोग को लोन की ज़रूरत है तो भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल पे आप पहली मर्तबा है तो वीडियो के नीचे एक लाल बला है, इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में एक बेल आइकन है, इस पे क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूं कि अगर ये एप्लीकेशन के अंदर में आप लोग लोन अप्लाई करते हैं, अगर आप लोग इस एप्लीकेशन के अंदर में लोन लेते हैं तो सिंपली आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है। अगर डॉक्यूमेंट है तो फिर आप लोन ले सकते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप लोन नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन के अंदर में आपको लोन लेने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है, जिसमें आपको एक पैन कार्ड लगता है, एक आपको आधार कार्ड लगता है और उसके साथ साथ आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, ये चार चीज़ को आपको रेडी रखना है। और रेडी रखने के बाद सिंपली आपको करना क्या, अपने प्ले स्टोर के अंदर में आ जाना है। दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद ये एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद गाइस, इस एप्लीकेशन के अंदर में 5,000 से लेके यहाँ पे 80,000 तक लोन दिया जाता है, जिसमें 5% से लेके 30% तक इंटरेस्ट चार्ज दिया जाता है और जो समय देता है 91 दिन से लेके 365 दिन आपको इस एप्लीकेशन में लोन के लिए यहाँ पे पेमेंट के लिए समय दिया जाता है। और दोस्तों इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ आपको लोन चार्ज लगता है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर में लोन प्रोसेस को कैसे किया जाता है, उसके लिए सिंपली इस एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इसमें जो कंपनी है जो NBFC से रजिस्टर्ड है, बाय RBI दोनों मिलकर रजिस्टर्ड है, जो अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन को मैं डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। गाइस, ओपन करने के बाद कुछ देर वेट कर लेना है और कुछ देर वेट करने के बाद इस एप्लीकेशन के अंदर में मैक्सिमम आप यहाँ पे 80,000 तक का लोन ले सकते हैं। तो सिंपली आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं गेट माय लिमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए गाइस, मैं क्लिक कर लिया हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर लेना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको एग्री पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट, इसके अंदर में एक मोबाइल नंबर डालना है और गेट OTP पे क्लिक करके जो मोबाइल नंबर डालिएगा उस पर एक OTP आएगा, डालकर और यहाँ पे वेरीफाइड क्लिक कर देना है। सो गाइस, वेरीफाइड पे क्लिक करके फाइनली मैं इसमें रजिस्टर्ड कर लिया हूँ। रजिस्टर्ड करने के बाद सिंपली गाइस फिर से आपको गेट माई लिमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद गाइस इस एप्लीकेशन के अंदर में 3 स्टेप को कंप्लीट करना है। पहला स्टेप है अपलोड KYC, आपको यहाँ पे अपलोड KYC कर लेना है। सेकंड है रीपेमेंट डिटेल्स, उसके बाद थर्ड है साइन एप्लीकेशन लोन, जिसमें आपको इस एप्लीकेशन के अंदर में आपका एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए तभी आपको लोन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टिक कर लेना है और टिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। चलिए गाइस, अलाउ पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। अलाउ पे क्लिक करने के बाद गाइस सिंपली आपको कुछ देर वेट कर लेना है। कुछ देर वेट करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। सेकंड में आपको आईडी प्रूफ डालना है और थर्ड में आपको बैंक का अकाउंट डालना है, जिस बैंक में आप इसके अंदर से लोन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सैलरी रेंज पूछा जा रहा है और उसके बाद मैरिड स्टेटस पूछा जा रहा है, जॉब परमिशन पूछा जाता है, एजुकेशन और ईमेल आईडी, ये चीज़ सब पूछा जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सैलरी रेंज में आपका रेंज जो सैलरी कितना इनकम करते हैं, कितने कमाते हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिड स्टेटस में आप मैरिड हो चुका है तो मैरिड पे टिक कर देना है, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे मैरिड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जॉब असिस्टेंट, जॉब में आप कौन सा काम करते हैं, एक्सटीबी है, डॉक्टर है, अदर है, मैनेजर है, जो आप यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे करना क्या है, उसके बाद आपको एजुकेशन पूछा जा रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो सिंपली आपको जो एजुकेशन है तो एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज अगर आप पढ़े नहीं है तो नो एजुकेशन पे आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिख लें, उसके बाद फाइनली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सो गाइज नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर में दो गो कॉन्टेक्ट का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, जिसमें आपको रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेना है। रिलेशनशिप पे क्लिक करके बाद किसका नंबर देना चाहते हैं, फादर का, रिलेटिव का, कॉलेज का, फ्रेंड का, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और डायरेक्ट आपको वहाँ पे शो ले जाएगा डायरेक्ट आपके कॉन्टेक्ट में। वो आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड का यहाँ पे नंबर शो कर लेना है। उसी तरीका से सेकेंड में आपको यहाँ पे फादर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद अपने फादर का यहाँ पे नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए गाइस सेलेक्ट कर लिया हूँ, सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है हैव यू टेकन एनी योर प्रोवाइड, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके अलावा और कोई यहाँ पे लोन लिए हुए हैं, अगर लिए हुए हैं तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद आई हैव नॉट डिफॉल्ट लोन यहाँ पे करना है, नो करना है। उसके बाद आई हैव सब नो करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सब पे यहाँ पे नो करना है। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए गाइज मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आधार कार्ड को अपलोड कर लेना है। आधार कार्ड को कैसे अपलोड कर लेना है, तो आधार कार्ड के आगे का फोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड करना है और आधार कार्ड के पीछे का फोटो खींच कर क्लिक करके और अपलोड कर लेना है। उसके बाद थर्ड नंबर यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड, पैन कार्ड के आगे का फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देना है और सबसे नीचे फेस, जिसके नाम से लोन अप्लाई कर रहे हैं उसका फेस दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज फाइनली आपको आएगा बैंक इन्फॉर्मेशन। बैंक इन्फॉर्मेशन में आपको पूछा जा रहेगा कि आपको लोन कितना लेना है, वो लोन वगैरह सेलेक्ट कर लेना है और जैसे आप ये सब डॉक्यूमेंट सब अपलोड करते हैं उस तरीका से आपको किया जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड के आगे का फोटो और पीछे का फोटो क्लिक कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सही का निशान हो चुका है। उसके बाद फाइनली ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। ऊपर करने के बाद उसी तरीका से यहाँ पे पैन कार्ड भी यहाँ पे देख कर और यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपलोड कर दिया हूँ। अपलोड करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जिसके नाम से यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे देख सकते हैं फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं फोटो ले लिया हूँ। फोटो लेने के बाद सिंपली गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेकंड दिख रहे हैं, सबसे लास्ट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जिसके नाम से लोन अप्लाई कर रहे हैं, जिस अकाउंट में लोन ले रहे हैं वो उसका नाम लिखना है, IFSC कोड लिख लेना है, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना है, ऊपर और नीचे दोनों में अकाउंट नंबर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव कर देते हैं, चलिए गाइस यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे अपलोड करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आ चुका है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मुझे जो लोन 12,000 तक का यहाँ पे लिमिट मिला जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपको EMI कितना बन रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद रीपेमेंट चार्ज है, सर्विस चार्ज है, ये कितना मिल रहा है वो आपको देख सकते हैं। फाइनली यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद कंप्लीट सक्सेसफुली यहाँ पे देख सकते हैं ओके पे क्लिक कर लेना है, एस्केप पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है अब यहाँ पे अंडर रिव्यू में चला चुका है। अंडर रिव्यू में जाने के बाद यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेना है। चाहिए कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं कुछ देर वेट कर लिया हूँ। वेट करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, जैसे आपका लोन अप्रूवल होता है व्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पेंडिंग योर एलिजिबिलिटी असेसमेंट इज योर प्रोग्रेस, यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेना है। जैसे आपका लोन अप्रूवल लगा पेमेंट में जाना है और यहाँ पे ऑर्डर में डन में आना है। डन में आने के बाद इसमें डन होगा और फाइनली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस एप्लीकेशन के अंदर में जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है ओसिस गोल्ड, ये एप्लीकेशन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपने प्ले स्टोर में आ जाना है और प्ले स्टोर में आने के बाद फाइनली इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइस फाइनली यहाँ पे इसके अंदर में लोन का प्रोसेस को कंप्लीट करके इंस्टेंटली अप्रूवल करके लोन ले सकते हैं। तो ये एक नया एप्लीकेशन है जिसके अंदर में आसान तरीका से लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं और कुछ नए सीख सकते हैं।